तो क्या है बच्चों, अब हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 2 में मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बेसिक टर्मिनोलॉजी कौन सी, वो है कंडक्टर, इंसुलेटर, इंडक्शन ऑफ चार्ज एंड अर्थिंग। बेसिकली ये टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, या सॉरी हम बोल सकते हैं टर्मिनोलॉजी है, बट ये हम इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं ताकि बिल्कुल डीपली जाके हम इस चीज को स्टडी करें। और थोड़ा सा आप प्लीज कोऑपरेट करना, मैं गारंटी लेता हूं जो बच्चा ये सोचता है मेरे समझ में नहीं आएगा उसके भी जरूर समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो थोड़ा कोऑपरेट करो आप, हम भी चलते हैं बिल्कुल डीप से, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब अपने थ्रू फ्लो करने देता है, ठीक है। तो सबको पता है, मेरे को पता है, आपको पता है, बट रीजन क्या है वो कंडक्ट किस लिए करता है, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो थ्रू आउट द क्रिस्टल मूव करते हैं। मान लो कंडक्टर, क्या हम कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू आउट द मेटीरियल, कंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द मेटीरियल मूव करते हैं। तो मान लो हमारे पास ये मेटीरियल, ये एटम से बना हुआ है, ये एटम, ये एटम, ये एटम, कंडक्टिंग मेटेरियल है हमारे पास, याद रखना क्या है, कंडक्टिंग मेटेरियल, ये है कंडक्टिंग मेटेरियल। ये हमारे पास एटम से बना हुआ है, मान लो। तो इस एटम के मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई था, वो घूमने आ गया, थ्रू आउट द क्रिस्टल मूव कर सकता है, वो मान लो घूमता घूमता इस एटम के पास आ गया, तो क्या इससे वो जा चुका, इससे वो जा चुका, तो यहां पे क्या होगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास आके ठहरा हो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, समझ में। तो बेसिकली कंडक्टर में हम किसी भी टाइम पे जब ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसे, जैसे मान लो यहां से कोई एटम गया और यहां पे आके रुक जाए, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये कभी भी किसी भी एटम पे हो सकता है रैंडमली अगर हम ऑब्जर्व करें तो, ठीक है ना। तो हमने देखा, हम किसी भी टाइम पे अगर एक फोटो लें एटम का, ये सर सॉरी मेटेरियल का, कंडक्टिंग मेटेरियल का, ठीक है ना, तो हम ऑब्जर्व करें तो हमें ऐसा नजर आएगा कि भाई यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज है एक इंस्टेंट पे किसी भी एटम पे, और उसी इंस्टेंट पे किसी दूसरे एटम पे नेगेटिव चार्ज है, समझ में आया नहीं आया। तो अब बात करेंगे इंसुलेटर की, किसकी, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर वो मेटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो थ्रू आउट द क्रिस्टल मूव नहीं कर सकते, सर मैं वो एक एटम पे रहेंगे और उसके चारों तरफ घूमते रहेंगे, मूव अराउंड द एटम, सर मैं इंसुलेटर, सर मैं। तो अब ये चीज, जो ये चीज मैंने तुम्हें बताई है कि अब यहां पे यूज करेंगे हम किसमें, इंडक्शन ऑफ चार्ज, सर मैं किसमें, इंडक्शन ऑफ चार्ज में। इंडक्शन ऑफ चार्ज क्या है, नाम से ही पता है, जैसे इंड्यूस, इंडक्शन मींस इंड्यूस होना, किसका इंड्यूस होना, चार्ज का इंड्यूस होना, समझ में आया। वो कैसे, अब देखते हैं, इंडक्शन ऑफ चार्ज बोलता है जब भी हम किसी न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को एक हैवीली चार्ज बॉडी के पास ले गए, क्या, जब भी हम किसी न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को, किसको, कंडक्टिंग बॉडी को किसके पास ले गए, हैवीली चार्ज बॉडी के पास, किसके पास, हैवीली चार्ज बॉडी के पास, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू आउट द क्रिस्टल मूव करते हैं रैंडमली, बट जब उन्हें अट्रैक्शन फील होगा यहां के पॉजिटिव चार्ज से, तो थोड़े थोड़े इधर आ जाएंगे और कलेक्ट हो जाएंगे। अब बात आती है कितने इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे यहां पे आके, इकट्ठे होंगे, वो डिपेंड करता है कि कितनी दूरी पे ये बॉडी, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस, अगर पास होंगे दोनों ज्यादा तो ज्यादा चार्ज कलेक्ट होगा यहां पे, दूर होंगे तो कम। दूसरा, कितना इस पे
चार्ज किस पे? हेवीली चार्ज बॉडी पे। ये क्या है? हेवीली चार्ज बॉडी। समझ में आया? ये है हेवीली चार्ज बॉडी। अब अगली बात जो आती है कि जिस एटम से ये आए होंगे इलेक्ट्रॉन, क्या उन पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया होगा? तो उसकी वजह से उन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखें ध्यान से, तो इलेक्ट्रॉन और इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन और इनमें क्या है? अट्रैक्शन। क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इनको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? नेगेटिव चार्ज से। तो इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चार्ज जो है ये क्या हो गए? बाउंड चार्ज। क्या हो गए? बाउंड चार्ज। क्योंकि जहां भी किसी भी सिस्टम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो वो सिस्टम होता है बाउंड। ठीक है, तो क्या हो गया? बाउंड चार्ज। अब देखिए, तो इसमें और इसमें, इसमें और इसमें ध्यान से देखें तो ये क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। समझ में आया गया? इसमें और इसमें है फोर्स ऑफ रिपल्सन, और जिसकी वजह से ये चार्जेस क्या हो जाते हैं? अनबाउंड। क्या होते हैं? अनबाउंड चार्ज। मतलब ये कहीं भी कभी भी घूम सकते हैं, अनबाउंड। ठीक है, अच्छा, तो अब तक हमने बात डिस्कस की है, आपको समझ में भी आई होगी ये चार्ज कैसे इकट्ठा हुआ। मैंने यहां से आपको बता दिया कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे नेगेटिव चार्ज आता है। अब दूसरी बात आती है अर्थिंग। अर्थिंग क्या? अर्थिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग ए बॉडी टू अर्थ। किससे? बाय कनेक्टर या थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर क्या? वायर भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, चल रहा है। तो उसमें होता क्या होगा? उसमें होता क्या होगा? तो उसमें क्या होता है? उसमें जो ऑल अनबाउंड चार्ज होते हैं, जो उस बॉडी के, जिस बॉडी को हमने अर्थ किया है, उसके जो ऑल अनबाउंड चार्ज है, मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी है, उस पर यही बॉडी मान लेते हैं, इसको हम अर्थ कर दें, तो इसके जो ऑल अनबाउंड चार्ज है वो अर्थ में चल जाएंगे। ठीक है, कैसे? देखो, मान लो ऐसा ही हम एक सिस्टम ले लेते हैं। पहली बात, इसमें होता क्या है? ऑल अनबाउंड चार्ज गोज टू अर्थ, गोज टू अर्थ, अर्थ में चला जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो हमने ऐसा ही सिस्टम ले लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, हेवीली चार्ज बॉडी, उसके पास एक न्यूट्रल बॉडी लेकर आए, तो इस पे चार्ज इंड्यूस हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में? ये पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव इंड्यूस होगा अट्रैक्शन की वजह से, यहां पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या है? बाउंड और ये अनबाउंड। इसको हम अगर अर्थ कर दे, इसको अगर हम अर्थ कर दे, ये नोटेशन है अर्थ की, ठीक है ना, ये क्या कर दिया हमें? अर्थिंग कर दे, तो ऑल अनबाउंड चार्ज, ऑल अनबाउंड चार्ज गोज टू अर्थ। चल रहा है, मतलब ये बाउंड है और ये बाउंड है और ये अनबाउंड है, तो ये कहां पे चला जाएगा? अर्थ में। चल रहा है क्या? तो अब एक दूसरा ऐसा ही टाइप का हम सिस्टम लेते हैं, इससे थोड़ा अलग। मान लो हमने चार्ज ले लिया, चार्ज बॉडी, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास कोई सिस्टम तो है जिसके साथ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्ट करे, अट्रैक्शन होगा इसका, और या रिपल्शन होगा, ये आपस में अट्रैक्ट, आपस में क्या करते रहेंगे? रिपेल करते रहेंगे। अगर मैं इसको अर्थ कर दूंगा तो क्या होगा? तो वही बात होगी, क्या होगा? ऑल अनबाउंड चार्ज
ऑल अनबाउंड चार्ज गोज टू अर्थ। अब इसमें लिखते हैं अनबाउंड और बाउंड कौन से, तो तुम देखो यहां पे कोई अदर सिस्टम तो है नहीं जिसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो अट्रैक्शन तो नहीं है मतलब बाउंड तो नहीं, रिपल्शन है तो सारे अनबाउंड है। अब तुम सोचो आपस में रिपेल कर रहे हैं, कोई अट्रैक्शन बाहर से है नहीं, तो सारे चार्ज क्या होंगे, ऑल चार्जेस आर ऑल चार्जेस आर अनबाउंड। समझ में आया? तो अर्थिंग के बाद सारा का सारा क्या चला जाएगा, गोज टू अर्थ, गोज टू अर्थ। तो बॉडी क्या हो जाएगी आफ्टर अर्थिंग, न्यूट्रल। क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। ये बॉडी क्या हो जाएगी आफ्टर अर्थिंग, न्यूट्रल। समझ में आया नहीं? तो अर्थिंग के टाइम में क्या होता है, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि बॉडी पे जो अनबाउंड चार्ज है वो अर्थ में चले जाते हैं, पहली बात। ठीक है, समझ में आया नहीं? ये जरूरी नहीं है कि बॉडी पे जीरो चार्ज रहेगा, बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी, या बॉडी पे कुछ चार्ज रहेगा। समझ में आया नहीं? है ना, तो इन चीजों को हमें थोड़ा दिमाग में रखना है कि अर्थिंग के टाइम क्या होता है। बच्चे पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लेते हैं, उनको पता नहीं होता अर्थिंग के टाइम क्या होता है। सब हमेशा क्या करते हैं, जो बॉडी अर्थ हुई उस पर जीरो चार्ज आएगा, उस पर कोई चार्ज नहीं, ऐसा नहीं होता। और उस पर कोई बाउंड चार्ज होता है तो वो रहता है, वो जाता नहीं अर्थ में। समझ में, जो अनबाउंड चार्ज है केवल वही अर्थ में जाएगा। इसको एक बार वीडियो को पॉज कर लो आप और देखो कोई प्रॉब्लम आती है तो समझो इसको एक बार। तो बच्चों एक बार फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, एक बार ध्यान से देखो। मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ने से पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी जाती है जिसमें कंडक्टर, इंसुलेटर, इंडक्टर, इंडक्शन ऑफ चार्ज और अर्थिंग आते हैं। बेसिकली ये दो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, दो इनको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द क्रिस्टल या थ्रू आउट द मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल मूव करते रहते हैं। तो अगर हम देखें, मान लो ये एटम से बना हुआ है कंडक्टिंग मटेरियल, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहे हैं, मान लो ऐसे घूमने आ गया उसका इलेक्ट्रॉन, थ्रू आउट द मटेरियल मूव कर सकता है। तो जब वो मूव करने आ रहा था तो उसके जो जिस एटम से आया था उस पर क्या हो गया, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस पे उस इंस्टेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उसी इंस्टेंट पे वो जिसके पास आया उस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे ही किसी एक कंप्लीट बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो सकते हैं। समझ में आया नहीं? इस चीज का आपको ध्यान रखना है जो अभी इंडक्शन में यूज होगी। फिर बात आते हैं इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर में कभी भी इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द मटेरियल मूव नहीं करते, तो हमेशा जो एटम होता है पर्टिकुलर वो न्यूट्रल ही रहता है। समझ में आया नहीं? उसके बाद जो बात आती है इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंडक्शन ऑफ चार्ज मतलब इंड्यूस होना चार्ज का। उसमें क्या होता है कि हम हैवीली चार्ज बॉडी के पास किसको लेके आते हैं, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को। किसको? न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को। तो उसमें क्या होता है कि ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन से सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इधर गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अब कितने गैदर होंगे वो डिपेंड करता है दोनों के बीच में कितनी कम दूरी है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और कितना इस पे ज्यादा चार्ज है उस पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन गैदर होंगे। अब जिस एटम से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए होंगे क्या उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऐसे ही इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इन ए कंडक्टिंग बॉडी व्हेन इट कम्स नियर टू ए हैवीली चार्ज बॉडी। इसी को बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज। फिर दूसरी बात आती है कि अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग इज बेसिकली कनेक्टिंग ए बॉडी टू अर्थ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग में क्या होता है, किससे कनेक्ट करते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं। वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, All unbound charges goes to earth. सारे जो अनबाउंड चार्ज होते हैं ना, सारे अनबाउंड। अनबाउंड कौन से, ये अनबाउंड है, ये बाउंड है ना। तो सारे के सारे जो अनबाउंड चार्ज होते हैं वो अर्थ में चले जाते हैं। अब अगर नया ऐसा ही सिस्टम क्रिएट करके देखा तो हमने देखा कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था, वो अनबाउंड था, ये बाउंड था, तो अनबाउंड सारे का सारा चला गया। कौन सा चला गया, पॉजिटिव चला गया। यहां पे हमने एक इंडिविजुअल सिस्टम लिया, ये चार्ज बॉडी ली, उसमें कोई भी पास कोई अदर चार्ज बॉडी नहीं थी, तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ही नहीं इन चार्जेस के ऊपर। तो जब हमने इसको अर्थ किया, ये अर्थिंग का रोटेशन अर्थ किया, तो क्या होगा, ये सारे के सारे अनबाउंड है तो सारे के सारे अर्थ में चले जाएंगे, तो बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? ओके। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग बेसिकली तीन तरह के होते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसा नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब दो बॉडी में जब फ्रिक्शन होता हो
तब चार्जिंग आती है। मान लो क्या करें हम दो न्यूट्रल बॉडी ले लेते हैं, एक ये बॉडी ले ली हमने न्यूट्रल और एक ये बॉडी, इन दोनों को क्या करते हैं रब करते हैं, ठीक है ना। तो जब रब करेंगे तो जो एरिया रबिंग में इन्वॉल्व हो रहा है ना, वहां पे हीट जनरेट होगी। आपको पता है आप हाथ जब रब करते हो सर्दी में तो गर्म हो जाता है, ऐसे ही यहां पे जब ये दोनों बॉडी आपस में रब करेगी, क्या करेगी रब करेगी, तो जो एरिया रबिंग में इन्वॉल्व हो रहा है वहां पे हीट जनरेट होगी, क्या होगी हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और वो हीट किसमें यूज हो जाएगी, वो हीट जो रब रबिंग एरिया है वहां पे जो एटम्स है ना उनके इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे वो हीट, और वो इलेक्ट्रॉन उस हीट को एब्जॉर्ब करके एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जंप कर जाएंगे, तो हीट कौन लेंगे इलेक्ट्रॉन टेक्स एंड इजेक्ट आउट। तो रबिंग एरिया में जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और वो एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जंप कर जाते हैं। अब कौन से बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा और कौन सी बॉडी पे आएगा वो डिपेंड करता है कि किस बॉडी पे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है मोर एज कंपेयर टू अनदर वन। मान लो ये दोनों बॉडी हमने रब की, इसके एटम लूजली बाउंड है, इसके थोड़े टाइटली बाउंड है एज कंपेयर टू दिस, तो इससे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हीट एब्जॉर्ब करके और इस पे चला जाएगा। समझ में आया क्या, इससे इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा तो इस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा प्लस का ही और इस पे क्या आएगा माइनस का ही। समझ में आया नहीं आया, तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें रबिंग के टाइम जब दो न्यूट्रल बॉडी हम रब करते हैं तो इक्वल और अपोजिट चार्ज आते हैं, कैसे इक्वल एंड ओपोजिट। अब कहीं सोचते हो कैसे आते हैं, एबोनाइट रोड होती है उसको सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हैं तब भी इक्वल अपोजिट चार्ज आते हैं, ठीक है ना। कैट फर के साथ अंबर रोड को रब करते हैं तो भी चार्ज आता है, समझ में। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनको हम आपस में रब करते हैं तो इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है थ्योरी में। समझ में आ रहा है आपको, कभी सोच रहे हो थ्योरी में होता है प्रैक्टिकल में नहीं, ये प्रैक्टिकल भी ऐसा ही होता है भाई। जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो रबिंग एरिया में हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट जो होती है वो रबिंग एरिया में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जंप कर जाते हैं। किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, इजेक्ट किससे करते हैं जिसपे लूजली बाउंड होते हैं, जिसपे लूजली बाउंड होते हैं, समझ में आया। अब दूसरी बात होती है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन नाम से ही कंडक्ट करके चार्जिंग हो, चल रहा है। हर केस में हम एक अनचार्ज बॉडी लेंगे जिसको चार्ज करना है, क्योंकि मेथड ऑफ चार्जिंग यही तो बोलते हैं, चार्ज करो भाई किसी को, किसको करो किसी बॉडी। तो हमने ये बॉडी ले ली, इसको चार्ज करना है, इसको कैसे चार्ज करेंगे, हम एक अनदर चार्ज बॉडी लेके आए, ये तो न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल, और वो भी न्यूट्रल थी, ठीक है, उसमें ये न्यूट्रल है, इसके पास कौन सी लेके आए चार्ज बॉडी लेके आए चार्ज, इसको और इसको किससे कनेक्ट किया कंडक्टर से, किससे कंडक्टर, वो कुछ भी हो सकता है वायर भी या और कुछ भी। तो ये चार्ज बॉडी थी मान लो, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा चार्ज फ्लो करेगा, क्या होगा चार्ज विल फ्लो, तब तक अंटिल देयर पोटेंशियल डज नॉट बिकम्स इक्वल। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एक टर्मिनोलॉजी है, वो आगे जाके आप पढ़ोगे। आप इतना मानो, मान लो इस बॉडी का पोटेंशियल V1 है और इसका V2 है, तो ये चार्ज इस बॉडी से इस पे तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, तो चार्ज फ्लो विल कंटिन्यू। मान लो ये बॉडी, तो इसका कुछ चार्ज अब किस पे चला गया, इस पे चला गया वायर पे, वायर से वायर पे बैठ के किधर चला गया इधर आ गया, समझ में आया। तो चार्ज फ्लो विल कंटिन्यू
कब तक रहेगा? जब तक इनका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। चार स्टोप्स कब होगा? वह वी वन इज इक्वल टू वी टू, ये बेसिक पोटेंशियल है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी वन और वी टू से। चार्ज फ्लो स्टोप्स कब? जब दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ये बात ध्यान रखनी है, इन दोनों का चार्ज चाहे बराबर हो चाहे ना हो, बट पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। समझ में आया नहीं आया? तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और थोड़ा जरूरी भी है जानने के लिए, जिससे आप थोड़ा फील ले पाओगे सब्जेक्ट की और अच्छे से। चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब किसी बॉडी पे पहले चार्ज इंड्यूस करेंगे। इंड्यूस कैसे? इंडक्शन ऑफ चार्जिंग से, जो इससे पहले मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी, इंड्यूस करेंगे, है ना। सोचो एक बार, इंड्यूस कर दिया और फिर अर्थ कर दिया, तो क्या वो अनबाउंड चार्ज था वो अर्थ में चला जाएगा? सोचो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चार्ज पहले इंड्यूस कर दिया तो दो चार्ज क्रिएट हो गए, एक तो बाउंड और एक अनबाउंड। अनबाउंड को अब अर्थ कर देंगे तो नेट चार्ज आ जाएगा ना बॉडी पे। देखो एक बार कैसे, इसका प्रोसीजर है। पहले फर्स्ट स्टेप इंडक्शन ऑफ चार्ज, क्या है? इंडक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। दूसरा इंडक्शन ऑफ चार्ज कब होगा? जब क्लोज लेके आएंगे, क्लोज लेके आएंगे एक हैवीली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल चार्ज बॉडी के पास, देन अर्थिंग। अर्थिंग से क्या होता है? अनबाउंड चार्ज चार्ज गोज टू अर्थ, गोज टू अर्थ, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या करेंगे? रिमूव अर्थिंग, रिमूव अर्थिंग। नाउ टेक अवे बोथ चार्ज बॉडीज। कौन कौन सी? एक तो जिसको चार्ज करने के लिए लेकर आए थे, और एक हैवीली चार्ज। कैसे? देखो स्टेप बहुत अच्छे हैं। इंडक्शन ऑफ चार्ज कब होगा? जब दोनों को पास लेके आएंगे। किसको? एक न्यूट्रल बॉडी को जिसको हम चार्ज करना चाह रहे हैं, और हैवीली चार्ज बॉडी को। तो हैवीली चार्ज बॉडी की वजह से क्या होगा? यहां पे इंडक्शन ऑफ चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव की वजह से यहां पे नेगेटिव आ जाएगा और यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये बाउंड है, ये अनबाउंड है। नाउ देन अर्थिंग, अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा? अर्थिंग करेंगे तो सारा चार्ज क्या हो जाएगा? ये अर्थ में चला जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, चला गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा? सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। अब देखो ये बाउंड कब तक है? जब तक ये पास है। जितना दूर लेके जाएंगे उतना बाउंड ये, लेकिन इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि ये भी अनबाउंड होता चला जाएगा। ये बाउंड किस लिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ना। तो अब क्या करेंगे हम? पहले इसको रिमूव करेंगे, चार्ज फ्लो कर गया अनबाउंड, अब इसको रिमूव कर देंगे। अब रिमूव कर देंगे तो ये चार्ज अर्थ में तो जाएगा नहीं, अब ये चार्ज अर्थ में तो जाएगा। अब इनको दूर दूर कर दो, अब इनको दूर दूर कर दो, अब इनको दूर दूर कर देंगे हम। ऐसी नहीं है, हाँ, अब इनको हमने दूर दूर कर दिया तो अट्रैक्शन तो कम हो गया, बट जो नेगेटिव चार्ज था अब यूनिफॉर्मली क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। अब आप एक बार ध्यान से सोचना, अगर मैं इसको दूर कर देता और ये फ्री चार्ज की तरह बिहेव करता, एक फ्री चार्ज की तरह अगर दूर कर देता और अर्थिंग भी रखता तो फ्री चार्ज की तरह बिहेव करता, तो सारा का सारा अर्थ में चला जाता, फिर से न्यूट्रल हो जाता, है ना। तो मैंने क्या किया? पहले मैंने इस वायर को हटाया, फिर उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में मैंने दूर लेके आया मैं इनको, दोनों बॉडीज को, फिर ये चार्ज यूनिफॉर्म इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहले न्यूट्रल चार्ज बॉडी थी, उससे नेगेटिव चार्ज हो गई। कब हुई? जब इसके पास पॉजिटिवली हैवी चार्ज बॉडी लेके आए।
अगर मेरे को ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज करनी होती तो मैं क्या करता, नेगेटिवली हैवी चार्ज बॉडी लेकर आता, हैवीली चार्ज, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जिसमें। सर मैं आया क्या, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको थोड़ा सा, देखो एक बार, पहले इसको एक काम करो, पॉज कर लो वीडियो को और इसको एक बार देखो अच्छे से। अब हम एक बार डिस्कस करते हैं, डिस्कस क्या करते हैं कि मैथड ऑफ चार्जिंग तीन तरीके से होते हैं, एक फ्रिक्शन से, एक कंडक्शन से, एक इंडक्शन से। फ्रिक्शन में क्या होता है कि दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है, न्यूट्रल बॉडीज को, तो रबिंग के टाइम में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उससे क्या होता है, उससे हीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो रबिंग एरिया में रहते हैं, जो रबिंग एरिया में मतलब रबिंग एरिया में जो एटम है उनके पास रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन, वो उस हीट एनर्जी को गेन कर लेंगे और एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जंप कर जाएंगे, है ना। तो जिस बॉडी से वो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी पे जाके गिरेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रोसेस में इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है बॉडीज पे। किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन यूजली बाउंड है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट आउट, इलेक्ट्रॉन टेक एंड इजेक्ट आउट, क्या टेक करते हैं, हीट एनर्जी, क्या टेक करते हैं, हीट एनर्जी। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ना वो जंप करते हैं। दूसरी बात, चार्जिंग में कंडक्शन, कंडक्शन में क्या करते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी को लेकर आते हैं जिसको चार्ज करना है, किसके पास, चार्ज बॉडी के पास, दोनों को बाय मींस ऑफ वायर आपस में टच कर देंगे, कैसे ना कैसे, किसकी हेल्प से, कंडक्टर की हेल्प से। तो चार्ज फ्लो करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, है ना। कब तक फ्लो करेगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तीसरा आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन में तीन चार प्रोसेस होते हैं वो यूज किए जाते हैं। पहले हैवी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आओ, फिर क्या होगा, इंडक्शन ऑफ चार्ज होगा, इंडक्शन ऑफ चार्ज होगा तो फिर अर्थिंग कर दो, तो अनबाउंड चार्ज कहां पे चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, अनबाउंड चार्ज कहां पे चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब अर्थिंग को रिमूव कर दो, अब अर्थिंग को रिमूव कर दो, अर्थिंग रिमूव कर दी, अब दोनों बॉडीज को फार अवे कर दो, तो उससे क्या होगा, बॉडी चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको अच्छा कुछ मिलेगा नॉलेज, ठीक है। ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अनदर चार्ज बॉडी, किस किस को अट्रैक्ट कर सकती है, ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट, क्वेश्चन ऑप्शन है अनदर चार्ज बॉडी, अनदर न्यूट्रल बॉडी, या बोथ, या नदर, सोचो एक बार कुछ। तो इसका आंसर देखो, तो डिस्कस करें, हाँ, अनदर चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज बॉडी को तो अट्रैक्ट करती ही करती है। बट हमने एक चीज और देखी थी, जब हम कोई एक चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते तो इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता था, इधर पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या करने लग जाते हैं, अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो एक चार्ज बॉडी अनदर चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है और न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, तो इसका ऑप्शन आएगा बोथ। समझ में आया नहीं आया, अब बात आती है दूसरी, एक चार्ज बॉडी ऑलवेज रिपेल अनदर, किसको रिपेल करती है, ए चार्ज बॉडी ऑलवेज रिपेल अदर, देखो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता ही करता है, बट पॉजिटिव चार्ज है वो इंडक्शन की वजह से इसको रिपेल नहीं करता है, इसको रिपेल नहीं करता है, इंडक्शन की वजह से ओनली अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, ओनली अट्रैक्शन। समझ में आया, तो ए चार्ज बॉडी ऑलवेज रिपेल अनदर चार्ज बॉडी, समझ में आया नहीं है, तो हम बोलेंगे ए चार्ज बॉडी ऑलवेज रिपेल अनदर चार्ज बॉडी। इसलिए अगर हमें पता करना है कि ये दो बॉडी चार्ज है या नहीं, तो जब उनके बीच में रिपल्शन होगा तो हम बोल देंगे श्योरली कि ये दोनों बॉडी चार्ज है। अगर वो अट्रैक्शन हो रहा है दो चार्ज दो बॉडीज के बीच में, तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों चार्ज है, उनमें से एक चार्ज और दूसरी न्यूट्रल भी हो सकती है। समझ में आया नहीं, तो रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कोई भी दो चार्ज दो बॉडी चार्ज है तो उनमें अगर रिपल्सन हुआ तो हम श्योरली कह सकते हैं वो दोनों चार्ज
थी, समझ में आया नहीं है? बट अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि दोनों चार्ज हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों में से एक चार्ज हो, एक न्यूट्रल हो, समझ में आया नहीं है? हाँ, तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इन न्यूट्रल बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या कॉन्स्टेंट रहता है? तो जब एक न्यूट्रल बॉडी है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगी तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? चार्ज किसी बॉडी पे क्या कब आता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब पॉजिटिवली चार्ज हुई मतलब उससे कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, है ना, तभी तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे, तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए इसका मतलब क्या हुआ? उस पर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब कुछ मास चला गया, मतलब मास चला गया तो मास उसका क्या होगा? रिजल्टेंट डिग्री जो। ऐसे ही ए न्यूट्रल बॉडी बिकेम्स नेगेटिवली चार्ज देन इट्स मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? नेगेटिवली चार्ज मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन उस पर आए होंगे, उस पर आए होंगे तो कुछ मास आया होगा, और मास आया होगा तो रिजल्टेंट मास क्या हुआ होगा? इंक्रीज। समझ में आया नहीं है, है ना? हाँ। तीसरा और बहुत अच्छा क्वेश्चन, व्हेन टू चार्ज बॉडी, इसमें एक न्यूट्रल और एक चार्ज भी हो सकती है, ठीक है ना, व्हेन टू चार्ज बॉडी डिफरेंट साइज जिनकी डायमेंशन डिफरेंट है कनेक्ट बाय मींस ऑफ वायर देन चार्ज फ्लो कंटिन्यू अंटिल, कब तक कंटिन्यू करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में? जब उनका दोनों पे चार्ज इक्वल ना हो जाए तब तक करेगा, या दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए जब तक करेगा, या दोनों चीजें होंगी तब तक करेगा, या पता नहीं कब तक करेगा? समझ में आया नहीं? तो मैंने आपको बताया था चार्ज किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब तक ट्रांसफर करता है, जब तक क्या ना हो जाए, जब तक उनका पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, समझ में आया क्या? या मिला के आपको पता लग जाएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे जब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन थे कुछ जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड की डीपीपी मैंने लेक्चर सेकंड के लिंक में डाल दिए, ठीक है, और उस डीपीपी का मैंने सॉल्यूशन भी डाल दिया है, ठीक है, दो लिंक है आपको मिल जाएंगे, पर सॉल्यूशन का लिंक अभी नहीं ओपन करना है, ठीक है, ट्राई करना पहले खुद से उसको समझ लो, वरना ज्यादा ही दिक्कत आएगी तो फिर डीपीपी के डिस्कशन की भी एक लेक्चर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? और जो मेन पॉइंट था, मैं जो आपसे अभी डिस्कस करना चाह रहा था कि सॉरी फॉर द क्वालिटी मे बी बैड नॉट दैट मच बट हो सकती है थोड़ी बहुत खराब, क्योंकि अभी हमारे पास रिक्वायर्ड जो सफिशियंट टेक्नोलॉजी है वो नहीं आ पाई है। अगले लेक्चर में शायद या उससे अगले में मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी वीडियो में भी, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके बाय।